सो गाइस, ये हेलमेट है स्टड का, निंजा इलाइट ये मॉडल है। हो सकता है सेम आपके पास भी हो, स्टड का निंजा इलाइट। साइड व्यू कुछ इस तरह का इसका। तो गाइस, इसमें कुछ तरह की प्रॉब्लम आती है या फिर कई बार जैसे हमें ज़रूरत पड़ती कि इसका जो ये वाइजर हमें चेंज करना है, या फिर हो सकता है लूज़ हो गया ये वाला पार्ट आपका हेलमेट का, इस तरह का ये यहाँ से जो ये क्या हो रहा है कि अपने आप नीचे गिर जा रहा हूँ इस तरह से, तो मेरे साथ भी हो रहा था और कई लोगों के साथ होता है। ये एकदम से यहाँ पर लोग ना रह के आराम से गिर जाता है, या फिर यहाँ से लूज़ हो गया ये पार्ट है जब बाहर आ गया हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आई है तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कंप्लीट सोल्यूशन। आपने एक काम कर देना है, आपने जो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, जस्ट इतना सा काम करना है। तो फटाफट से बताता हूँ, दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। अगर आप मिस करेंगे तो हो सकता है आपका वायर टूट सकता है या आपका नुकसान हो सकता है या फिर आप नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइज, हमें इसका जो वाइज़र ही खुलता है, वाइज़र ही चेंज होता है, उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट चेंज होता है। ऑलराइट, मान लो कि आपने वाइज़र चेंज करना है तो दूसरा वाइज़र लगाना, दूसरे कलर का लगाना है, या फिर टूट गया, या फिर आम खरीद के लिया तो चेंज करना है, या फिर इस पार्ट को भी चेंज करना है, तो सबसे पहले इसमें वाइज़र ही हटाना होगा। ऑलराइट, तो गाइज ये वाला पार्ट तो नीचे की तरफ लॉक रहेगा ऐसे, तो सिंपल क्या करना है, ग्लास को कुछ इस तरह से ऊपर कर लेना जितना हो सकता है। तो गाइज यहाँ पर जो खांचा बना है, जो ब्लैक ब्लैक सा आपको दिख रहा होगा अंदर से, आप देखेंगे आपके हेलमेट में भी दिखेगा, एक खांचा यहाँ पर होगा और एक एग्जैक्ट यहाँ पर होगा जो जस्ट ग्लास के पीछे, ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है इसके पीछे। तो क्या करना, सिंपली इस बटन को यहाँ पर प्रेस कर देना। स्क्रू नहीं है यहाँ पर किसी भी तरह का, ना इसका आपने स्क्रू लगाना यहाँ पर, जस्ट इसको प्रेस करना है कुछ इस तरह से, और जो वाइजर को हल्का सा ऐसे खींचना, उठा के आपने हल्का सा उठाना है। और देखो मैं करता हूँ, इसको प्रेस किया और मैं हल्का सा वाइजर को यहाँ पर उठाऊँगा। ध्यान रखें कि जो वाइजर है पूरा खोल देना है, या गिलास जो है पूरा खोल देना है, ये वाला पार्ट नीचे ही रहेगा। देन इसको प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से प्रेस भी होता है, देखो इस तरह से प्रेस हो रहा है। आप क्या करना, सिंपल मैं यहाँ से जो वाइजर को उठाऊँगा हल्का सा, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, हो सकता है ग्लास टूट जाए। और ध्यान रहे ये वाले जो मैंने बताया यहाँ पर कट्स हैं वो एग्जैक्ट उसी जगह पर होने चाहिए। राइट, एंगल दूसरा पटा, दूसरे एंगल से करता हूँ मैं, मेरा हाथ ये वाला सही पड़ रहा है साइड, तो इसे मैं दबाऊंगा एक अंगुल से और हल्का सा वाइजर को खींचूंगा। ज़्यादा जोर नहीं लगाया, निकल गया। अब देखो गाइस, ये पूरी तरह से सेफ है जो इसके अंदर का वाइजर है, इसके अंदर दो लॉक होते हैं, वो टूटे नहीं है। और देखो गाइस होता है क्या, जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं, इस वाले बटन को, तो थोड़ा पास से दिखाता हूँ, इसे प्रेस करते हैं तो गाइस होता क्या है कि ये वाला पार्ट है जो प्रेस होता है और इसके अंदर का लॉक जो निकल जाता है। सेम इसी तरह से दूसरी तरह का निकाल लेंगे इधर से ऐसे, फिर प्रेस करेंगे, बस ये निकल गया। और देखो गाइस मैं दिखा देता हूँ, अब हेलमेट जो कुछ इस तरह का दिख रहा है विदाउट वाइजर के। एक्चुअली होता है क्या है गाइस, ग्लास को जब हम पूरा खोलते हैं दो सेक्शन बने हुए, एक सेक्शन ये वाला जहाँ पर बड़ा, एक तो पूरा कट है, एक छोटा सा कट ये यहाँ पर है, ठीक है आप देख पाएंगे बाद में, और एक कट यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये कट ये है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये वाला पोर्शन को जो रिलीज़ कर देता है, जिस वजह से हल्का सा उठा के इधर पुश करेंगे, या फिर आप ग्लास पूरा खोल के भी हल्का सा प्रेस करके ऊपर को उठाएंगे तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से गाइस हमने यहाँ पर जो इसका वाइजर निकाल दिया है। अब सपोज़ करो आपको चेंज करना, दूसरा वाइजर लगाना है, तो वो भी कर सकते हैं, बट उससे पहले बताता हूँ, अगर ये वाला पार्ट आपका लूज़ हो गया है, ये अपने आप जो नीचे गिरे जा रहा है इस तरह से, ये तो नहीं गिरा खैर, अब देखो यहाँ रुक गया, बट आपका गिरे जा रहा है, मेरा भी गिरे जा रहा था। तो इसके लिए क्या करना, सिंपली गाइस एक स्क्रू चाहिएगा आपको, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें जो कट बना हुआ, इसको हल्का सा ऐसे लगाना है और ऐसे उठा देना है, ध्यान से तोड़ना नहीं है, ऐसे उठा देना, बस इतना ही करते गाइस, ये वाला पार्ट जो बाहर आ जाएगा। और इसके नीचे है एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्क्रू है, यही स्क्रू जो जस्ट आपने टाइट कर देना है। ये रहा मेरे पास स्क्रू ड्राइवर, किसी भी तरह का स्क्रू ड्राइवर जो इसमें लग जाए, इससे इसको फुली टाइट कर देना जितना हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने तो दोनों टाइट कर दिए हैं, ये और इधर का भी खोल के दिखा देता हूँ, इधर का भी इस तरह से निकल जाएगा, ये लो ये भी बाहर आ गया। और इस तरह से सिंपल इसको भी टाइट कर देंगे कुछ इस तरह से, ये फुली टाइट है। अब सिंपल क्या करेंगे, वापस लगाना होगा, जब इसका स्प्रिंग यहाँ रखेंगे और इसको इस तरह से रख के एग्जैक्ट जहाँ पड़ता, देखो इसमें खांचे बने हुए हैं, आप देखेंगे ना, आपको खांचे दिखेंगे साइडों में हल्के हल्के दो कट से दिखेंगे, सेम कट के ऊपर रख के इसको ऐसे प्रेस कर देना, बस ज़्यादा कुछ कलाकारी नहीं है, सिंपल लॉक वाला सिस्टम है, लगाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बस निकालने में होती है थोड़ा सा, आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है इसमें, ठीक है। सेम इसको भी मैं इस तरह से लगा दूँगा ऐसे, लाइक दिस, इसके ऊपर रख के इसे
ये प्रेस कर दिया, ठीक है। अब देखो गाइस ये वाला पार्ट मैंने बता दिया किस तरह से टाइट करना है, आपको समझ में भी आ गया होगा। इस तरह से जो उसके स्क्रू टाइट कर देने इसके नीचे, इसका एडवांटेज भी है और जो डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है गाइस इसका, इसमें क्या है कि आप वाइजर कभी भी चेंज कर सकते हैं। लाइक आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो आप जो वाइजर चेंज करते रहते हैं कुछ किलोमीटर पर, या फिर कहीं दिन में दूसरा वाइजर यूज़ करते हैं और नाइट में दूसरा वाइजर यूज़ करते हैं, उस सिचुएशन में आप जो कर सकते हैं। तो फिलहाल गाइस मैंने यहाँ पर जो वाइजर निकाल लिया था इसको क्लीन भी कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर कोलिन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ग्लास क्लीनर होता है, एक साफ कपड़े से मैं पूरा क्लीन कर लेता हूँ। तो सेम गाइस आप भी कर सकते हैं, अगर बाय द वे आपने ग्लास वगैरह भी क्लीन करना है, हेलमेट क्लीन करना है पूरा, क्योंकि पूरा हेलमेट क्लीन नहीं हो पाता उस सिचुएशन में, जो आप पूरा ग्लास निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी इस तरह के स्क्रू की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती वाइजर निकालने के लिए, स्क्रू की ज़रूरत आपको तब पड़ती जब आप ये पूरा वाला ये पार्ट जो टाइट कर दें। अब देखो थोड़ा सा मैं इस पर क्या करता हूँ, हल्का सा कपड़े पे कोलिन लेके इस वाले पार्ट को भी क्लीन कर लेता हूँ, जो पार्ट कभी साफ नहीं हो पाता, यूजुअली नहीं हो पाता जब तक कि वाइजर ना निकल जाए, ठीक है। ये हो गया और चलो ठीक है, अब सिंपली अब इसको ऊपर मैं जो वाइजर लगा देता हूँ। तो गाइस वाइजर लगाना काफ़ी आसान है, निकालना थोड़ा टफ पड़ता है। अब सिंपली अब मैं क्या करूँगा, देखो गाइस इसको वाइजर को लगाएंगे इसके ऊपर और फिर से जैसे हमने ग्लास को पूरा ओपन कर लिया था उसी पोजीशन में ले जाना है। आपको प्रॉपर कट दिखेंगे इस वक्त, राइट, प्रॉपर कट दिखेंगे एंड पॉइंट पे। देखो इसके अंदर जो वाइजर के अंदर कट हैं कुछ, ये एजेस बने हुए हैं एक इस साइड को और एक इस साइड से, दोनों के एक साइड को ही हैं। तो वही लोग इसके अंदर फंसते हैं, केवल पॉइंट यही है, इस जगह से ही फंस सकते हैं, दो एक्स्ट्रा पॉइंट है, बाकी पूरे में भी पॉइंट है इस तरह से। और सिंपल मैं वाइजर को रखूँगा बिल्कुल लास्ट पोजिशन पर जहाँ पर ये दो मेरे को कट दिख रहे हैं। देखो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये नीचे जब जाता है तो इसलिए वाइजर पूरा इस तरह से ओपन रख के इस पोजीशन पे ही रख के करना है बस, और इजीली लग जाएगा ये। इसको दबाना है हल्का सा एंड पॉइंट पे खुला रख के, बस ये फिट हो गया इजीली। इस बटन को ना भी दबाएं तब भी कर सकते हैं, बट रिस्क रह सकता है कि आपके जो लॉक टूट जाएँ। बस अब एक तरफ का लग गया, अब दूसरी तरफ का बड़ी ईजीली लग जाएगा, दिक्कत तब पड़ती जब एक साइड का ओपन रहे। और सिंपली क्या करना, फिर एंड पॉइंट पे पूरा खुला हुआ है जितना खुल सकता है उसी कट्स पे। अब सिंपली क्या करना है, इस बटन को प्रेस करूँगा ताकि आपको भी दिखता रहे, प्रॉपर कट के सामने ले जाके ही ये बस। यानी वाइजर लगाते हुए ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना, जस्ट इसके ऊपर रख के जहाँ पर कट्स हैं केवल ये वाला लॉक फंसाना स्टार्टिंग वाला, फिर अगले वालों का ऐसे प्रेस कर देना, वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। इतनी सिंपल से आप जो है इसका वाइजर जो चेंज कर सकते हैं, या फिर क्लीनिंग करनी क्लीनिंग कर सकते हैं, या फिर कहीं इस वाले पार्ट को आपने जो टाइट करना है वो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से काफ़ी आसान है। पहले वाइजर ही इसमें निकालना पड़ेगा, यानी ये शीशा निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट स्क्रू आपको नहीं मिलता इस तरह से जो आप इसको टाइट कर सकते हैं। ये पूरी तरह से मैंने टाइट कर लिया फिलहाल,